जिला के एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान हुई महिला अध्यापिका की मौत के मामले में शुक्रवार को महिला के परिजनों ने हमीरपुर नालटी सड़क पर शव को रखकर धरना प्रदर्शन किया। मामले में सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को सड़क से हटाया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से भी झड़प होगी। बताया जा रहा है कि महिला के परिजन निजी अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा रही है। वहीं अस्पताल की ओर से महिला की मौत का कारण हार्ट फेलियर बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जाम संपर्क सड़क पर यातायात बहाल करने के बाद पुलिस ने शव को तो हटा दिया है, लेकिन परिजन महिला के शव को निजी अस्पताल भवन के बाहर रखकर प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर धर्मशाला वाया हमीरपुर होकर जा रहे हैं, इसलिए प्रदर्शनकारी यह भी मांग उठा रहे हैं कि मुख्यमंत्री मौके पर आकर अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दें। वहीं पुलिस मामले को शांत करने में जुटी है। जानकारी के मुताबिक मृतिका की पहचान 39 वर्षीय अमिता कुमारी पत्नी अरुण शर्मा निवासी गाँव बरहलाड़ी तहसील व जिला हमीरपुर के रूप में हुई है। अमिता राजकीय प्राथमिक पाठशाला डुठाड़ा में अध्यापिका थी। महिला के पति अरुण शर्मा ने बताया कि उनकी पत्नी को रसौली की समस्या थी, जिसके चलते हमीरपुर जिला मुख्यालय के एक निजी अस्पताल में उसका उपचार चल रहा था। सभी लैब टेस्ट और एक्सरे व अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवाने के बाद बुधवार रात 9 बजे चिकित्सकों ने ऑपरेशन के लिए बुलाया। उन्होंने आरोप लगाया है कि गलत ऑपरेशन के चलते उनकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई। तभी रात करीब 11:15 बजे एक चिकित्सक ने ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर उन्हें मरीज को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा ले जाने के लिए कहा, लेकिन अरुण शर्मा ने अपनी पत्नी से मुलाकात करने की गुजारिश की। बावजूद चिकित्सकों ने पति को अपनी पत्नी से नहीं मिलने दिया। निजी अस्पताल की एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में लगाकर मरीज को टांडा रेफर कर दिया। टांडा पहुंचते ही निजी अस्पताल का स्टाफ और एम्बुलेंस उन्हें वहां छोड़कर फरार हो गया। टांडा में चिकित्सक ने बताया कि मरीज की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो चुकी है, जिस पर उन्हें शक हुआ कि पत्नी की मौत निजी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान हो चुकी थी और चिकित्सकों ने उन्हें गुमराह किया है। उन्होंने मामले में निजी अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग उठाई है। उधर पुलिस अधीक्षक हमीरपुर अरिजीत सेन ठाकुर का कहना है कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को बहाल कर दिया है। मामले की गहनता से छानबीन की जा रही है। सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, बंद करो इसको। यार फील्ड की प्रैक्टिस कर रहे हैं पूरी। हां दिख गया, दिख चुका है। और बंद करो, बंद करो। किसी की कोई इंटेंशन नहीं थी कि हम रास्ता रोकेंगे रास्ते में। इसलिए हमने पब्लिक को दो घंटे आराम से पहले डिपार्टमेंट को नहीं, पहले तो ये तो गलत है, इंटरेक्शन हो गई है। कुछ एंगल पे तो हम जा रहे हैं, कुछ एंगल में तो हम भी चलते हैं सर। मेरे को बोल, मेरा मार एक तो गलती दूसरी बना सचो निकाल सकता है रिवॉल्वर का। हमारी भाभी है अमिता जी, ठीक। हॉस्पिटल वालों ने इनको 7 तारीख को फोन किया कि इनकी ट्रीटमेंट चली हुई थी यहाँ पे, जो रसौली होती है उसकी छोटी सी रसौली थी, उसका हिस्सा रह गया था, पहले भी ऑपरेशन हुआ है तो उसको निकलवाने के लिए ये 9 तारीख को इनको बुलाया कि 9 तारीख को टीम आ रही है कोई तो आप आ जाना चेकअप करने। उसके बाद इन्होंने 3 बजे स्कूल से छुट्टी की, ये हॉस्पिटल में पहुँचे यहाँ पर, और साथ में इनके पति और छोटी सी बच्ची 3 साल की वो साथ में आए यहाँ पे। जो भी कागज पत्र इन्होंने फीस पास अपनी जमा की, उसके बाद इनको एडमिट कर लिया, एडमिट किया। उसके बाद 9 बजे ऑपरेशन के लिए बोल दिया अरुण जी को कि आप बाहर बैठो, अब ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन के लिए जब 11 बजे तक, 11:30 बजे तक इनका कोई भी ब्यौरा नहीं आया,
जबकि ऑपरेशन जो है वो केवल एक घंटे का बताया डॉक्टरों ने कि एक घंटे का ऑपरेशन होता है। उसके बाद ये बौखला कर उठे और इन्होंने दरवाजा खटखटाया, तब भी इनको कोई जवाब नहीं। उसके 15 मिनट के बाद इनको कह दिया कि उनकी हालत ठीक नहीं है और उनको टांडा रेफर कर रहे हैं, और हफड़ा थपड़ी में इनको कोई कुछ भी उस वक्त समझ नहीं आ रहा था क्योंकि छोटी सी बच्ची भी साथ में थी। तो ये अकेले ही उनको एम्बुलेंस में बिठाया और डेड बॉडी थी, वो मर चुकी थी वहीं पे, उसको भेज दिया उसके साथ। एम्बुलेंस वालों ने वहाँ पे उतारा और अपने भाग आए, उतार के भाग आए। जब ये अंदर गए, जब इन्होंने अपनी पर्ची बनवाई, जब उन्होंने रेफर का कागज मांगा, तब इन्होंने चारा जो की फिर फोन किया, तब ये वापस जाके फोन पे उसके पास है। अब आपने शब सांड, हमें इंसाफ चाहिए सर, कातिलों को सजा चाहिए जिन्होंने कत्ल किया है सर, कत्ल आए, हमें सजा चाहिए उनके लिए, बस कुछ चाहिए, इंसाफ चाहिए। और ये है कि ये हॉस्पिटल बंद होना चाहिए, ये कत्ल ही है सर। और आप बोले कि हमें कुछ चाहिए क्योंकि बच्चे को माँ तो नहीं मिलेगी ना दोबारा। आप लोगों को पुलिस ने रोका, पैदल आए आप, क्यों रोका पुलिस ने? हम पैदल आए, पुलिस वालों ने हमें रिवॉल्वर तर्क दिखाई और आगे आगे वो चलते रहे, पीछे पीछे हम सर, हमारे लिए पुलिस फोर्स बनी है, ऐसे नहीं उनको तनख्वाह मिलती है तो हमारी भी दौलत है उसको, क्योंकि जनरेशन के लिए उसको जरूरी रखा गया, ऐसे रखा गया जब रात हम अपने घर में सो रहे तो क्रांति डॉक्टर फोन करवा रहे कितने पैसे चाहिए, क्या करना, कंप्रोमाइज करो के पैसे से औरतें खरीदी जाती हैं। आज हम हमारे साथ हो, कल को और बेटियां बहनों के साथ हो सकते हैं, हमें नहीं चाहिए, चाहे डॉक्टर क्रांति हो या कोई और हो, हमें किसी से कुछ नहीं, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए हमीरपुर से एसिंग की रिपोर्ट। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।